गब्बर नाम से मशहूर शिखर धवन भारतीय टीम के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक हैं। और शिखर धवन का बैटिंग करने का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है कि वह जब भी बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं तब बॉलरों की मानो शामत आ जाती है। वह बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई भी संकोच नहीं करते और आते ही ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों, शिखर धवन आज भारतीय टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं और इन्हें वीरेंद्र सहवाग के संन्यास के बाद उनके स्थान पर लाया गया था ताकि भारतीय टीम के ओपनिंग की ताकत बरकरार रह सके, और यह काम करने में शिखर धवन काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और अगर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग की तो धवन वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, वैसे तो शिखर धवन आज क्रिकेट जगत के बहुत ही बड़े नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनके शुरुआती जीवन के बारे में पता होगा। तो चलिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर की पूरी लाइफ स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1985 से, जब भारत की राजधानी दिल्ली में शिखर धवन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम महेंद्र पाल धवन और माँ का नाम सुनैना है, साथ ही उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम श्रेष्ठा है। धवन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से की और उन्हें क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था, और इस खेल को पसंद करने के पीछे की वजह थे उनके चचेरे भाई जो कि पहले किसी क्लब की तरफ से खेला करते थे, और उन्हीं को देख करके धवन के अंदर भी क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी हो गई। वैसे शुरुआत में तो उन्होंने गली क्रिकेट ही खेला, लेकिन बाद में उनके मेहनत और टैलेंट को देखते हुए उनके घर वालों ने उनका एडमिशन सोनेट क्रिकेट क्लब में करवा दिया, और इस क्लब में तारक सिन्हा के अंडर में खेलते हुए धवन ने अपने स्किल्स को और भी बेहतर किया। और दोस्तों, तारक सिन्हा अभी तक 12 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्लब ज्वाइन करने के शुरुआती समय में शिखर धवन एक विकेट कीपर हुआ करते थे, लेकिन कोच की सलाह पर उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान बल्लेबाजी की ओर शिफ्ट कर लिया, और फिर धीरे धीरे समय के साथ उनकी बैटिंग में भी निखार आता रहा, और जल्द ही वह दिल्ली की अंडर 16 टीम की ओर से खेलते हुए नजर आए, और फिर आगे चलकर सिर्फ 15 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन दिल्ली के ही अंडर 19 टीम में हो गया, और वहां पर उन्हें कप्तानी का बागडोर भी सौंपा गया। और डोमेस्टिक लेवल पर काफी अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए 2004 में इंडिया की अंडर 19 टीम की ओर से भी वे खेलते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए सेलेक्टर्स उन पर नजर तो बनाए हुए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन भारत के इंटरनेशनल टीम में इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां पर सीनियर खिलाड़ियों की वजह से जगह खाली ही नहीं थी। और फिर काफी लंबे समय के बाद उनका इंतजार खत्म हुआ 2010 में, जब 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया। हालांकि पहले मैच में वे बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए, और फिर उनको दोबारा मौका मिला 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, जहां पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। हालांकि आगे भी उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आता रहा, और टीम में बहुत ही अच्छे बल्लेबाज पहले से मौजूद होने की वजह से थोड़े से भी लूज परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन धीरे धीरे शिखर धवन ने अपनी शानदार बैटिंग से टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। अगर धवन के आईपीएल करियर की बात करें तो 2008 में दिल्ली डेयर डेविल्स की ओर से, 2009 और 2010 में मुंबई इंडियंस की ओर से, 2011 और 2012 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से, और फिर जब डेक्कन चार्जर्स को 2012 में टर्मिनेट कर दिया गया तब 2013 से उसकी जगह पर आई हुई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वे खेल रहे हैं, और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की तरह ही वे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी ओपनिंग करते हैं। वहीं अगर गब्बर के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 2012 में मेलबोर्न में रहने वाली आयशा मुखर्जी के साथ शादी की। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि आयशा धवन की फेसबुक फ्रेंड थी, और दोस्ती धीरे धीरे आगे चलकर प्यार में बदल गई। आयशा मुखर्जी शिखर से लगभग 10 साल बड़ी हैं, और उनकी पिछली शादी से उनकी दो लड़कियां भी हैं। साथ ही 2014 में आयशा ने एक लड़के को भी जन्म दिया जिसका नाम जोरावर है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाज शिखर धवन की, जो कि फील्ड में अपनी कबड्डी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।